आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। मेरठ से इस वक्त हमारे पास है हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात, वहां से सामने आई है। घर में घुसकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप लग रहा है। लड़की पर भी चाकू से हमले का आरोप है। लव मैरिज करने से नाराज था लड़की का परिवार। और देखिए, घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मेरठ से खबर, हॉरर किलिंग का मामला। मेरठ में हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप लग रहा है। लड़की पर भी चाकू से हमले का आरोप। हॉरर किलिंग का मामला। मेरठ में बड़ी वारदात, हॉरर किलिंग की। जैसे वो दुकान पर जा रहा था, वो मोटर चला के पानी पी रहा था। इतने ही आ गया है, मैं तो कमरे के गेट में खड़ी अपने छोटे से बालक को, 2-3 महीने का बालक है मेरा, उसे लेके मैं गोद में खड़ी थी। इतने आए हैं छुरी और बूदे लेकर, नहीं इन्होंने वो करा, उसकी गर्दन काटी। उसका भाई था सागर था, अंशु था, और सवारी खाती और काकुल थी उसकी बहन, और उससे चाचा के ताऊ, उनके नाम पता नहीं है मुझे, उनके लड़के। सनु शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ था, फोन लाइन पे जुड़ गए। सनु जा, ये बड़ी वारदात, क्या और जानकारी मिली आपको? देखिए, हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या घर के भीतर घुसकर की गई है, उसका नाम जैकी है, और अभी करीब 2.5 महीने पहले ही उसने घर के सामने रहने वाली जो युवती है आचल, उससे प्रेम विवाह कर लिया था, कोर्ट मैरिज कर ली थी, और उसको लेकर परिवार के लोग परेशान थे। आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो आचल के भाई हैं, कुछ लोगों के साथ घर में दाखिल होते हैं, चाकू छुरी लेकर उन पर हमला किया जाता है, और जैकी के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने के बाद उनकी गर्दन काट दी जाती है, और उसके बाद जो अपनी बहन है आचल, उस आचल पर भी ताबड़तोड़ वार करते हैं और गर्दन उसकी काट देते हैं, जो जैकी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो जैकी की बहन है ज्योति, वो जब अपने भाई को बचाने के लिए आती है तो उस पर भी वार किए जाते हैं, हालांकि उनके हाथ पर छोटी मोटी चोट आई है। और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो भाग निकलते हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस पोस्ट पहुंचती है, जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और जो उनकी पत्नी है आचल, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आचल की जो हालत है वो भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों को साफ कहना है कि जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना को लेकर सरदना इलाके में पूरी तरीके से सनसनी फैली हुई है। लोग हर तरफ इसी घटना की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि घर के भीतर दाखिल होना, बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकू से वार करना, और उसके बाद बेरहमी से गर्दन काट देना, कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि किस तरीके से बेखौफ ये लोग थे, और इस हत्या की प्लानिंग शायद कई दिन पहले कर ली थी, और इसको भापने में जो परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से अंजाम रहे। इस मौके की तलाश थी, आज वो मौका मिला, और बताया जा रहा है कि जो युवती है आचल, उसके दोनों भाई घर के भीतर घुसकर इस घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। जी शुक्रिया आपका सनोज। हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात के बारे में विस्तार से बता रहे थे सनोज शर्मा। घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई है। सनसनी फैली हुई है पूरे सरधना इलाके में। लड़की के भाइयों पर बहनों की हत्या का आरोप। लव मैरिज से नाराज बताए जा रहे थे अपनी बहन की, उस पर भी चाकू से हमला किया गया है। नाराज था परिवार, और उसके बाद ये हमला, चाकू से गोद कर हत्या। मेरठ में हॉरर किलिंग। घर में घुसकर यह हत्या की गई बेरहमी से, और लड़की जो थी उसको भी चाकू से गोदा गया है। आरोप है लड़की के भाइयों पर।